हेलो स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक ऑफ यूनिट 6 व्हिच इज केपलरस लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन सो इते थ्री लॉज आ assi ik ik karke da laws explain kardan ja reha so number 1 is kepler's law first law ya fir the law of orbit theek hai so enu law of orbit kyu bolde ha kyunki ede vich ki assi ek orbit di gal karange theek hai so according to the kepler's of first law all the planets revolve around the sun in an ellip elliptical ਔਰਬਿਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲੈਨੇਟਸ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸਿਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪਲੈਨੇਟਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਅਰਥਾ ਯੂਪੀਟਰ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਰਸ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੈਨੇਟਸ ਆ ਜੋ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਗੋਲ-ਗੋਲ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਕਿਦੇ ਦਵਾਲੇ ਸੰ ਦੇ ਦਵਾਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨ ਐਨ ਐਲੀਪਟਿਕਲ ਆਰਬਿਟ ਐਲੀਪਟਿਕਲ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਡੇਕਾਰ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾ ਐਗ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੀ ਆ having the sun is always at the focus of the orbit so ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ elliptical orbit ਆ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਦੀ ਲੈ ਲਓ ਮਾਰਸ ਦੀ ਲੈ ਲਓ ਜੁਪੀਟਰ ਦੀ ਲੈ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਕੌਣ ਆ ਸਨ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਨਟ ਆ ਉਹ ਸਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਆ ਸੋ ਸਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਔਰ ਪਲੈਨਟ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਲੈਨਟ ਕੀ ਆ ਇੱਕ अलिप्टीकल ऑर्बिट के घूम रहा है एक कैपलरस ने फर्स्ट लॉ दिता है कि कोई भी पलैनट किसी पर्टिकुलर पॉइंट के फोकस के द्वारे घूम रहा विच सन सो इस लॉ को असी बोल दता कैपलरस फर्स्ट लॉ सैकेंड लॉ देखो ਕੇਪਲਰਸ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਲਾਅ ਯਾ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲਾਅ ਆਫ ਏਰੀਆ ਫਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰਬਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੈਕੰਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਸੋ ਇਸ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਥਿਸ ਲਾਅ ਦ ਲਾਈਨ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦ ਸਨ ਐਂਡ ਦ ਪਲੈਨਟ ਸਵੈਪਸ ਇਕੁਅਲ ਏਰੀਆ ਇਨ ਇਕੁਅਲ ਇੰਟਰਵਲ ਆਫ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਨੇ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ S ए बी सो एरिया एस एरिया एस ए बी जोड़ा इकुअल केक्ल आ जिन्ना आ एरिया कवर किया एस सी डी एस सी टी बोथ एरियाज आर इक्वल, सो दोनों एरिया की हो गए इकुअल एरियाज हो ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਐਸ ਏ ਬੀ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਉਨਾ ਹੀ ਏਰੀਆ ਇਧਰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਸਨ ਇੱਥੇ ਆ ਇਧਰ ਦੇਖੋ ਮੋਟਾਈ ਘਾਟਾ ਸੋ ਚੌੜਾਈ ਇਦਾਂ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਚ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਲੰਬਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਇਧਰੋਂ ਲੰਬਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਚੌੜਾਈ ਘਾਟਾ ਸੋ ਇਧਰ ਚੌੜਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਬਟ अदरवाइज की हो गए बोथ एरियाज आर इक्वल एरिया दोनों सेम एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के ठीक है ये सैकेंड लॉ से कैपलर का थर्ड लॉ की थर्ड लॉ की आ लॉ ऑफ पीरियड सोने किना टाइम लिता पीरियड मतलब टाइम की गल करा इट स्टेट्स दैट स्केयर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ अ पलैनट इज़ डायरैक्टली प्रपोर्शनल टाइम पीरीयड मतलब टी स्कर ऑफ टाइम पीरियड मतलब टी स्केयर ठीक है इज डायरैक्टली पपोरशनल के क्यूब ऑफ द सैमी मेजर एक्सिज ऑफ द ऑरबिट सो परूलर एक रेडियस की गल की सैमी मेजर एक्सिज आर क्यूब क्योंकि क्यूब क्या उन्होंने ठीक है ये मतलब अथथमैटिकली की लिख स टी स्केयर इज डायरैक्टली पपोर्शनल टू आर क्यूब सो इनू असी प्रूफ कितना करा ये कितों आया आंसर ठीक है प्रूव करने के लिए की अंत सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू ग्रेविटेनल फोर्स सो सेंट्रीपिटल फोर्स असं पढ़ चुके हैं चुकेल होंम वी स्ेयर डिवाइडेड बाय आर दे सो ग्रेविटेनल फोर्स भी अं पढ़ चुके हैं चुकेच इज़ जी एम एम डिवाइड बाय आर स्केयर ठीक है ग्रेविटेन फोर्स अदरवाइज तीस की पढ़िया जी एम वन एम टू डिवाइड बाय आर स्केयर सो इत असी दो मासिस की गल कर रहे हैं। एक सन की और एक पलैनट की मान लो सन की आ कैपिटल एम और पलैनट की समॉल एम सो असी लिख दिता कैपिटल एम एंड समॉल एम डिवाइड बाय आर क्यूब आर स्केयर ठीक है सो आ टर्म आ गई हूँ ध्यान देखो जो टर्म कट्टी जाती है एक आर दे नाल, एक आर कैंसिल एम दे नाल एम कैंसल सो वी स्केयर का आंसर कि आ गया जी एम डिवाइड बाय आर सो इन दी था फस्ट इक्ुएशन नैक्सट की आम जो विलोसिटी ऑफ पलैनट आ वीड डिनोट करा वह कि एकल होएगा सर्कम्रांस ऑफ द सर्कल ऑरबिट डिवाइडड बाय द टाइम पीरियड सो देखो अदरवाइज तुम्हें थोड़ा पता विलोसिटी के होंगी डिस्टेंस हो वह टाइम दो उन्हें एक पर्टिकुलर सर्कल कवर किया इस तरह ना ठीक है सो डिस्टेंस उन्हें किना कवर किया क्योंकि ऑर्बिटल एरिया आ इलिप्टल ऑर्बिट सो नियर अबाउट एक सर्कल की तरह ही है दैट इज़ टू पाई आर टाइम की जगह तो असंते टोटल टाइम कैपीटल टी सो आ गई थोड़ी विलोसिटी सो वी कि आ गया टू पाई आर डिवाइड बाय टी क्लीयर हो गया सो दिस इज़ आर सैकेंड इक्वेशन सो so, अभी दो इक्ुएशनज सोल्व कर लिया फर्स्ट इक्वेशन सेंट्रीबिटल फोर्स एंड ग्रेविटेल फोर्स तो एंड सैकेंड इक्वेशन असी फाइंड आउट कि वेलोसिटी तो हूँ आही वाली वेलोसिटी असी इक्वेशन नंबर वन पुट की सो कि आ जाएगा वी दी आ जाएगा टू पाई आर डिवाइड बाई टी द होल स्केयर इज इक्व टू जी एम डिवाइड बाय आर डन जो इनू ओपन करा टू टू ज फोर पाई स्केयर आर स्कर डिवाइड बाय टी स्केयर इज़ इक्वल टू जी एम डिवाइड बाय आर ठीक है हम असी वाली टर्म की है दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं इधर लेके जा रहे हैं सो कि आ जाएगा फोर पाई स्केयर आर स्केयर बच्चे जी एमए तो पैर च लै जाओ जी एम आ वाला आर इधर मल्टीप्लाई कर दता आर इज इक्वल टू टी स्केर सो आर नदों आर के मल्टीप्लाई किया आ जाएगा आर क्यूब ठीक है इतने की आ जाएगा आर क्यूब हूँ ध्यान में देखो फोर कॉन्सटेंट पाई भी कॉन्सटेंट जी वैल्यू भी कॉन्सटेंट कैपीटल एम मतलब अर्थ का मास ज सन का मास भी कॉन्सटेंट रह गया कला आर ठीक है सिर्फ आर वेरीएबल so, सो अस लिख सकते हैं आर इज़ डायरेक्टली प्रपोरशनल टू टी स्केयर सो आही ही अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आंसर आया सी कि इट स्टेट्स ए स्क्योर ऑफ अ टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट ठीक है ये थोड़ा प्रूफ हो गया सो दिस इज द कैपुलर थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन डन सो अज असी कैपुलरस लॉ किएं तीन लॉज किए बच्चे अगर इस टॉपिकरह की प्रॉब्लम होते हैं थैंक यू